नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विजयवर्गीय इसी अंदाज में इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय जा पहुंचे। उनका शहर कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की मुहिम में एक पेड़ माँ के नाम लगाने के संकल्प के तहत मंत्री विजयवर्गीय ने कांग्रेस को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत सत्कार भी किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों से अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों शहर हित में हरियाली को बढ़ाने के लिए 51 लाख पौधे लगाने की मुहिम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में न केवल शामिल होंगे बल्कि इंदौर की हरियाली को बढ़ाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम भी करेंगे। किंतु अपने व्यक्ति का संबंध अलग अच्छे होना चाहिए। हमेशा उसका पालन भी किया और आज इसी उसमें कि हम सब जनहित के लिए काम करते हैं। ये जो 51 लाख पेड़ लग रहा है ये इंदौर के लिए लग रहे हैं, कांग्रेस भी उसमें सहभागी बने, ऐसा नहीं समझे कांग्रेस के हम अलग थलग है। इसलिए मैंने हमारे अध्यक्ष मेरे भतीजे होते हैं, इनके पापा मेरे दोस्त थे, मेरे उस्ताद थे भैया सुशील चड्डा जी को मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ और हम लोगों ने महापौर जी ने गौरव जी ने हम सब लोगों ने कार्य में बैठ के बात की कि जो रेवती रेंज पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है उसमें कांग्रेस की भी सहभागिता होना चाहिए। तो हम एक अलग अलग स्लॉट हमने बनाए हैं, तो आप जैसा कहेंगे 5000 पेड़ का हम एक स्लॉट बनाकर आपको लगाइए उसका नाम भी गांधी भवन रखते हैं। तो ये गांधी भवन है, वो गांधी वन है, थोड़ा पीछे कर। तो ये मैंने आग्रह करने आप लोगों के बीच में आए और मुझे बहुत ही गर्व है कि जिस स्नेह प्रेम से मेरा स्वागत हुआ है मैं गदगद हूँ। मैं हमारे कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों की इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार भी किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद। लगता